एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं गाइस एचसी वर्मा सॉल्यूशन फ्रॉम लाइट वेव्स। तो कई दिनों से गाइस आई वाज नॉट एबल टू कम क्योंकि बहुत सारा काम था और साथ में थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ा और कल फिर से जाना है तो फिर एक बार लेक्चर नहीं ले पाऊँगा। और साथ में डॉक्टर ने बोला है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, यानी कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था वो अब मुझे उस पर देना पड़ा है, एंड आई थिंक कि वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन अब जब जब भी मेरी 3 क्लासेस नहीं रहेंगी अन अकेडमी में, जो प्लस मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, जिस दिन 2 क्लासेस रहेंगी गाइस उस दिन आई विल बी एबल टू टेक आउट द टाइम। तो अभी 3 क्लासेस काफ़ी दिन से चल रही थी तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द टाइम, ठीक है। और आज मेरे को टाइम मिला है गाइस, तो आई एम डूइंग इट, आई विल एडजस्ट करूँगा, ठीक है। वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे किया जा सके, तो थोड़ा सा आप बियर करिए, बट सून यू विल गेट कि हम जो है डेली लेक्चर्स को लोड कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने चेंजेस भी आज करें, तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो मे बी उससे थोड़ा सा मैं टाइम बचा पाया हूँ गाइस। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप जो है वाइट बोर्ड में पढ़ाई, तो यही इशू था कि टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है गाइस, एंड इट्स लाइक आई एम वर्किंग अबाउट 12-13 आवर्स डेली, तब भी इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट विद द लेक्चर्स। क्योंकि अन अकेडमी पर भी मैं फ्री लेसन्स मैथ्स के करता हूँ, और अब तक आप जानते हो कि 1800 से ज़्यादा लेसन्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इट्स नॉट ओनली दैट आई एम वर्किंग हियर, आई एम वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, यहाँ पर हाँ मैं एस सी वर्मा के सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ नहीं करता हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पर वहाँ पे मैं मैथ्स के लेक्चर जो है आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन का। तो ये है कि सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इन अ यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो एक ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है गाइज कि कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस जो होती हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है, यानी कि दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो सेपरेशन है वो 1 मिलीमीटर। आपको पता है कि इंटरफेरेंस होता है जब दो वेव्स जो है कंस्ट्रक्टिवली एंड जो है डीकंस्ट्रक्टिवली मीट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, जब डीकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी क्या बनती है इस डार्क फ्रिंजेस। तो दो डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि क्या होता है कि एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है, फिर डार्क फ्रिंज होती है, फिर ब्राइट होती है, फिर डार्क होती है, ठीक है, इस तरीके से चलता है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल डार्क आपका ब्राइट हो गई, फिर उसके बाद आपकी डार्क आई, ठीक है, फिर आपकी ब्राइट हुई, तो इसी तरीके से दोनों साइड होता है। तो यहाँ पर जैसे ये दो, ये फिर एक डार्क आई, तो इन डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो बता रहे हैं 1 मिलीमीटर है। एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। अब ये स्क्रीन पे ही बनता है, कहाँ से, जहाँ से हमारे ये स्लिट्स हैं वहाँ से जो इनका डिफरेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है स्लिट्स से। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, क्योंकि दो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये यंग्स का एक्सपेरिमेंट का, तो उनके बीच में आपको 1 मिलीमीटर का ऐसे मिलता है, ठीक है। Now what we have to do, we have to calculate the wavelength of light used for the experiment. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या देखो given है। तो यहाँ पर देखो separation between consecutive dark fringe जो है उसको हम लोग fringe width बोलते हैं guys, और उसको हम लोग beta से denote करते हैं, वो 1 मिलीमीटर है, और उसको हम लोग 10^-3 मीटर से लिखते हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्प्लिट होता है, उसको स्लिट होता है, उसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ गिवन हियर 2.5 मीटर, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे 2.5 मीटर ले लिया है। सेपरेशन बिटवीन स्लिट को हम लोग स्मॉल डी से लिखते हैं गाइस, एंड दैट इज़ 1 मिलीमीटर, जिसकी वैल्यू है 10^-3 मीटर। अब वेवलेंथ ऑफ द लाइट आपको जानते ही हो कि कैसे लिया जाता है, लेमडा, एंड नाउ इट्स टर्न आपको सोचना है कि आखिर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कैन यू बोल सकते हो आप इस समय कि क्या है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला गाइज,
ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, दैट इज बीटा इज इक्वल टू लेमडा इन टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो आपसे लेमडा पूछा है, अब सोचिए आपको बीटा दिया गया है, आपको स्मॉल डी है और आपको कैपिटल डी है ना, तो आपको केवल लेमडा चाहिए। इससे आसान क्या हो सकता है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी गाइज। तो यहाँ पे बीटा पे जैसे हम लोगों ने 10^-3 मीटर देखो यहाँ था वो रख दिया है, और यहाँ पर कैपिटल डी था जो कि 2.5 मीटर एंड स्मॉल डी वाज आल्सो 10^-3। तो यहाँ से हमने फिर लेमडा को सॉल्व किया गाइज, 10^-6 डिवाइडेड बाय 2.5 और हमारा आंसर यहाँ पर 400 नैनोमीटर आ जाती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस वॉज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि फॉर्मूला आखिर यूज कैसे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। तो इन अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज, तो जिसको भी स्मॉल डी बोल रहे थे हम लोग, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस बार आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दी, पिछली बार आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालनी थी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज, यानी कि कैपिटल डी दे दिया। तो आई होप कि अब पिछले क्वेश्चन की हेल्प से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि डेटा का मीनिंग क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ए पार्ट है गाइज, उसमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो जैसे कि सेंट्रल मैक्सिमम मैंने बताया है और फिर इसके बाद आपका फर्स्ट मिनिमम आता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो पूछा जा रहा है। ये पार्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मूला है पूरी तरीके से। अब सेकंड देखो क्या है कि हाउ मैनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फ्रॉम इन 1 सेंटीमीटर विथ ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये भी देखेंगे और ये भी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, लेट्स राइट दैट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जो दी गई थी उसको हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया गाइस, यूनिट कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट एज यू नो। तो डी क्या है यहाँ पर, 1 मिलीमीटर है, यानी कि 10^-3 मीटर है। अब हम लोगों ने यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड वो भी लिख लिया है लेमडा, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि किस फॉर्मूले की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट वॉज गिवेन, तो वो हमारा 1 मीटर हो गया है। अब यहाँ पर बात आती कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो वो क्या होता है। अब देखो व्हाट हैपेंस, लेट मी टेल यू कि ये डार्क फ्रिंज है मान लो। ठीक है, तो ये आपकी डार्क फ्रिंज है। ठीक, इसके बाद आपकी एक जो है ब्राइट फ्रिंज आती है। तो ये आप देखो यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ कि जो बीटा होता है वो क्या होता है। ये जो डिफरेंस है, यानी कि सेंट्रल टू सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल टू फर्स्ट ब्राइट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो बीटा है। अब यहाँ पर आप जरा देखो कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि सेंट्रल से डार्क तक जा रहे हैं, तो ये कितना होगा, डोंट यू अंडरस्टैंड, ये बीटा बाई 2 होगा गाइस, क्योंकि इसके बाद फिर इक्वल ही लेंथ का आपका दूसरा डार्क आएगा। तो उस डार्क और इस डार्क को हम लें तो फिर से वो बीटा होता है, तो ये हाफ हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारा बीटा बाई 2 हो गया, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिवाइडेड बाई 2 गाइज। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट बीटा बाई 2। तो क्या होता है वो, बीटा बाई 2, जैसे मैंने अभी समझाया, बीटा का फॉर्मूला आपने पीछे देखा, लेमडा डी बाई लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और उसको हम लोग 2 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यूज तो दी गई हैं आपको, लेमडा दिया है, कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी है, डी दिया है, 2 से आपको डिवाइड करना आता ही है। तो ये सब वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दिए गाइस, एंड जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड एंड वी गॉट दैट इट इज 0.25 मिलीमीटर। तो ये अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ गई यहाँ पर, अब पूछ रहा है कितनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर विथ ऑन द स्क्रीन। तो अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही गाइज, दैट इज कि जो फ्रिंज विथ है वो कितनी है बेसिकली, दिस इज डबल ऑफ दिस, क्योंकि बीटा इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, बीटा ही तो काम की चीज़ है हमारी, जो फ्रिंज की विथ होती है वो तो 0.5 मिलीमीटर है, डबल है कि नहीं, ये तो हम लोगों ने हाफ कर दिया था बीटा बाई 2। तो बीटा की बात करें तो एक जो फ्रिंज है वो 0.5 मीटर की है, 0.5 मिलीमीटर की है।
तो कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी गाइस अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर विथ लेंगे। तो गाइस इतने की अगर एक है तो आप सोचिए कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर में कितनी बन जाएंगी। जब एक का लेंथ आपका 0.5 मिलीमीटर है तो आप इसी से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 0.5 में पूरा डिवाइड हो रहा होगा हमारा, ठीक है। तो कितनी बन जाएंगे, 20 नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस विल बी देयर गाइस, देयर विल बी 20 नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। आर यू क्लियर अबाउट दिस? दस हर एक फ्रिंज की विथ जो है वो 0.5 मीटर है और टोटल हमारा 10 मिलीमीटर है, तो कितनी बन गई वहाँ के अंदर। तो यूनिटरी मेथड से यू कैन गेट दिस कि 20 ब्राइट फ्रिंजेस वहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन कर लिया हमने, 7 कर लिया, एंड दिस इज द 3rd क्वेश्चन दैट वी आर मूविंग। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आई होप कि आपने पढ़ा ये सब, टू नैरो वर्टिकल स्लिट्स प्लेस 0.80 मिलीमीटर अपार्ट, ये क्या है, दिस इज स्मॉल डी, आर इल्यूमिनेटेड बाई द सेम सोर्स ऑफ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ दी गई है उसकी, हाउ फार आर द एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 2 मीटर अवे, ठीक है। तो 2 मीटर अवे तो कितनी दूर हैं एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये क्या, ये कोई नई बात तो है नहीं, आपने अभी यहाँ पर किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन टू नैरो स्लिट्स को लिख लिया है मीटर के टर्म्स में, क्या ये बात क्लियर है आपको। देन द सेकेंड थिंग इज कि हमने वेवलेंथ को लिख लिया है गाइज मीटर में, ठीक है, क्योंकि सारा SI यूनिट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट 2 मीटर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट ब्राइट बैंड इज बेसिकली द विथ ऑफ वन डार्क फ्रिंज विच इज नोन एज बीटा, कोई भी बता सकता है कि ये बीटा ही है। तो अलग अलग किस तरीके से यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, पूछा जाता है, एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, बट द लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट हियर एंड आई होप कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आया कि बीटा ही पूछ रहे हैं हम लोग, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि बोल रहे हैं हाउ फार आर द एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो कितने फार हैं भाई, सेंट्रल से आप मेजर करोगे, तो अभी हमने दिखाया था कि अगर ये सेंट्रल है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे ब्राइट है, तो इससे लेकर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीटा है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ये बात समझाई थी। तो इसलिए यहाँ पर लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है। नाउ व्हाट वी जस्ट नीड टू डू इज वी हैव टू डू वन थिंग, दैट इज कि अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपका आंसर आ रहा है 1.47 मिलीमीटर, क्या क्लियर है गाइज। दिस वॉज आई थिंक सिंपल वन एंड यू अंडरस्टूड क्वाइट वेल। अब देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आ जाता है ये, ठीक है, एंगुलर सेपरेशन आता है और काफ़ी लाइक जे मेंस में भी पूछा गया है क्वेश्चन, नीट में भी पूछा गया गाइज, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और क्या बोलते हैं गाइज इसको, YDSE के नाम से भी जाना जाता है बुक्स में, ठीक है। तो फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन आई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज गिवन, यानी कि दिस इज स्मॉल डी गिवेन एंड दिस इज वॉट, दिस इज लेमडा गिवेन गाइज, दो ही इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे एंगुलर सेपरेशन पूछ रहे हैं। एंगुलर सेपरेशन मतलब क्या होता है गाइज, एंगल इज थीटा, यानी थीटा कैसे निकाला जाएगा, दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया गया। तो वेवलेंथ ऑफ द ब्लू ग्रीन लाइट दी गई है, ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट है बिकॉज एक ही वेवलेंथ है, यहाँ पे फिक्स वेवलेंथ ऐसा कुछ नहीं, कोई रेंज है, तो 500 × 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न आप बेस्ट ऑब्जर्व जब हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट को यूज करते हैं गाइस, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स दी गई थी, दैट इज 2 × 10⁻³ मीटर, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया। एंगुलर सेपरेशन जैसे मैंने बताया कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस में अगर हम लोग थीटा ले, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए गाइस, दैट थीटा इज इक्वल टू, दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस,
थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई डी, क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू डी ए, आपने जब इसके प्रूफ्स देखे होंगे। और ये सेंट्रल है और ये हमारा ब्राइट फ्रिंज है, ये बीटा लेंथ है गाइस। और फिर अगर हम यहाँ पे टैन थीटा लिखें गाइस, तो टैन थीटा इज बेसिकली बीटा बाई डी, है ना, कैपिटल डी। और फिर आपको पता जब थीटा टेंस टू जीरो, बिकॉज बीटा इज रियली वेरी वेरी स्मॉल, तो ये थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई कैपिटल डी हो जाता है, ठीक है। और फिर आपको बीटा का फॉर्मूला ही पता ही है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, तो डी डी कैंसिल हो गया। ये दो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर दिए थे, तो थीटा की वैल्यू अब आप इजिली यहाँ पर रख सकते हो गाइज, एंड यू विल बी गेटिंग कि ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्लियर है गाइज? 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यू आर गेटिंग 25 इंटू 10 की पावर माइनस 5 रेडियन। उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे अगर, तो यू विल बी गेटिंग 0.014 डिग्री। अब डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर देर आर मैनी स्टूडेंट्स वो नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो 180 अपॉन पाई कर दीजिएगा गाइज, ठीक है। पाई की वैल्यू तो जानते ही हो गए, अब 3.14 रख दो अप्रॉक्सीमेटली, एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं गाइज इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो देखिए इस बार दो दो वेवलेंथ आ गए, अभी हम लोग एक वेवलेंथ की लाइट देख रहे थे, अब इस बार हमारे पास दो वेवलेंथ की लाइट आ रही हैं, क्योंकि जो सोर्स है वो दो डाइक्रोमैटिक लाइट यानी कि दे रहा है, जैसे मोनोक्रोमैटिक होता है गाइज, वैसे ही दो वेवलेंथ की लाइट वो दे रहा है, एंड इज यूज्ड इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज, ये तो आप जानते हो, पुराना चेहरा है स्मॉल डी, एंड द इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट, ये भी समझ गया आप, दिस इज कैपिटल डी। फाइंड द लीनियर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमम नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू द टू वेवलेंथ्स। तो यहाँ पे लीनियर सेपरेशन बताना है फर्स्ट मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम के बीच में, यानी कि वहाँ से लेकर वहाँ तक क्या लीनियर सेपरेशन है, और जो कि दोनों वेवलेंथ के करस्पॉन्ड, क्योंकि इस बार सिंगल नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो दिस इज़ क्वाइट नेस्टी दिस टाइम। तो लेट्स सी कि क्या होता है गाइस। तो अलग अलग लेमडा है यहाँ पर आपके पास, तो लेमडा वन है आपके पास 480 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, एंड द सेकेंड लेमडा इज 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो ये दो लेमडा हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अब सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स क्या है गाइस, 0.2 मिलीमीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लेट इज गिवेन एज 1.5 मीटर, ये गिवेन है यहाँ पर, देख सकते हो आप। एंड देन वी नो दैट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम इज गिवेन बाय वाई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। फर्स्ट मैक्सिमम ये बीटा, बीटा यही तो है, तो उसी को हम लोगों ने पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम यहाँ पर बोला है। सो द लीनियर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमम एंड द सेकेंड मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू टू वेवलेंथ विल बी गिवन बाय वाई टू माइनस वाई वन गाइज, ठीक है। तो वाई वन इफ इट इज करस्पॉन्डिंग टू वन वेवलेंथ, और वाई टू अगर आपके दूसरे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है, तो दोनों का आपको सरप्राइज जो है डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या था, डी डी बाई डी इंटू लेमडा था, ठीक है। तो ये लेमडा टू, तो जस्ट इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज कैपिटल डी इंटू लेमडा टू माइनस लेमडा वन अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि भाई एक की वजह से कुछ आया, एक की वजह से कुछ आया, तो दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चाहते हैं कि दोनों के वजह से जो फ्रिंजेस आए हैं उनके बीच में, जो मतलब कि समझ रहे हैं आप, एक सेंट्रल मैक्सिमम आया जो दोनों के लिए आया, फिर एक आया, अब इसके लिए कुछ अलग आएगा जिसका वेवलेंथ अलग है, तो वेवलेंथ की वजह से बीटा का अलग अलग वैल्यू होगा कि नहीं। मान लो ये इसका सेंटर यहाँ कहीं आया, दूसरे का सेंटर यहाँ कहीं आया, तो ये इन दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी डू दिस वन सेकेंड, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं। मान लो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, फिर आपका इसके बाद क्या होता है, डार्क फ्रिंज आई, दोनों की आ गई, फिर पहली जो है ब्राइट फ्रिंज आई आपकी, ठीक है। अब जो ब्राइट फ्रिंज आई है पहली, उसमें भी एक सेंट्रल लाइन होती है आपकी, है ना, मान लो ये है पूरा, तो ये लाइन है, इसी तरीके से दूसरे का इसी पे ओवरलैप कहीं हो रहा होगा, और उसका भी जो सेंट्रल लाइन आई, इन दोनों के बीच में गाइस
डिफरेंस पूछा जा रहा है. तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी हैपनिंग कि दिस वाई टू माइनस वाई वन विल बी रिटन एज, ठीक है, डी टाइम्स लेमडा टू माइनस लेमडा वन बाय स्मॉल डी, होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो वाई टू माइनस वाई वन है उसको मैंने इससे कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया. अब जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, क्योंकि 1.5 ये तो हमें डी था, स्मॉल डी था, ये सब रख दिया हम लोगों ने और इनको कन्वर्ट कर दिया गाइस. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो डी जैसे हमारा मीटर में है, उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ा है, तो सबको आपको बेसिकली नैनोमीटर आप जानते हो 10^-9 होता है. तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा, दैट इज 0.72 मिलीमीटर. ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने 6 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक करे हैं. एंड सून वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि मैकेनिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, तो आप अपने चैप्टर्स जो है लिखते रहें, बिकॉज आई डू रीड योर मैसेजेस, आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ. एंड व्हाट हैपेंस कि समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, लेकिन आप जो चैप्टर्स बोलते हैं मेरा पूरा उस पर ध्यान रहता है. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे वेव ऑप्टिक्स के लिए, तो इसीलिए आपके सामने ये चैप्टर दिखा. तो इफ़ यू वांट कि आपकी बात मेरे तक पहुंचे और आप जो चाहते हैं वैसा हो इस चैनल पे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंसिस्टेंट बने रहना पड़ेगा. एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो गाइज, बिकॉज दैट इज़ द मोटिवेशन जिसकी वजह से वी विल बी देयर फॉर यू. ठीक है, तो चलिए गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखेंगे. आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन.